कृतिका आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ और मेरी कविता है नशा मुक्त भारत। रोकनी होगी अब बर्बादी, बदलना होगा अब ये जमाना। रोकनी होगी अब बर्बादी, बदलना होगा अब ये जमाना। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, नशा मुक्त भारत बनाएं। खुद भी जागे औरों को जगाएं, खुद भी जागे औरों को जगाएं, नशा मुक्त ये समाज बनाएं। इसकी लत से मारे ही हैं सब, इसकी लत से मारे ही हैं सब। बात ये हम सबको समझाएं, बात ये हम सबको समझाएं। कसम ये आओ मिलकर खाएं, कसम ये आओ मिलकर खाएं। हमको है ये कर्तव्य निभाना, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं। नशा मुक्त भारत है बनाएं, नशा मुक्त भारत है बनाएं। धन्यवाद। नशे की लत एक गंभीर समस्या बन गई है। नशे की लत लगने वाले युवाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में नशीले पदार्थों के विभिन्न प्रकार हैं जिनका सेवन किया जाता है। किसी भी देश का भविष्य और देश की तरक्की देश के युवाओं पर टिकी होती है। देश की युवा पीढ़ी अगर गलत रास्ते चले जाए तो निश्चित तौर पर उनका जीवन अंधकार में चला जाता है। देश के युवा वर्ग को जिंदगी के हर पहलू को जीने की इच्छा होती है। युवा वर्ग नशे को अपनी शान समझते हैं। उनकी जश्न की पार्टी नशे के बगैर अधूरी है। सन्नाटे को चीर रही थी उसकी चीखे एक रात को, अंधेरे कमरे से शायद वो आजादी चाहता था। उसकी आवाज में कोई इंकलाब नहीं था, जो मांग रहा था वो कोई शबाब नहीं था, मांग रहा था वो जहर जिसका वो आदि था। खामोश सुन रहे थे सब, बस वही एक फरियादी था। टूट रहा था एक एक अंग उसका, वो खुद ही कारण था अपनी बर्बादी का। वो लत उसे दोस्तों ने ही लगवाई थी, जो लाख चाहने के बाद भी छूट ना पाई थी। हो रहा था तन्हा वो अपनों के बीच, जल रहा था उस आग में जो खुद उसने लगाई थी। उसे देखकर हमारा बुजुर्ग रो रहा है, नौजवान को आज नशा तोड़ रहा है। आज के युवा नशे के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। उनका कर्तव्य है कि इस नशे के दलदल से निकलकर अपने और अपने देश का भविष्य उज्जवल करें। धन्यवाद। आज मैं शिवानी सलारिया आप सबके समक्ष नशा मुक्ति विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आज के समय में अधिकतर युवा वर्ग नशे की ओर झुक रहा है। युवा जो हमारे देश का उज्जवल भविष्य होते हैं, वे आज नशे की बुरी लत से पड़कर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भारत में नशे का सेवन बिल्कुल हवा की तरह फैल रहा है और बहुत से लोगों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं। आज के समय हालात यह है कि बहुत से घर नशे की वजह से बर्बाद होते जा रहे हैं। लोग नशा करने के बाद अपना होश खो देते हैं और वे घर जाकर अशांति फैलाते हैं, अपने परिजनों से मारपीट करते हैं और गाली गलौज करते नजर आते हैं। इसके साथ साथ मानसिक स्तर व सामाजिक स्तर पर भी बहुत प्रभावित होता है। नशे की वजह से ही हमें आर्थिक स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। नशे की वजह से ही इंसान बर्बाद होता चला जाता है और इसी के चलते ही वो घर में लड़ाई झगड़े करता है। आजकल नाबालिग बच्चे भी अधिक मात्रा में नशे का सेवन करते हैं। अक्सर नशे की शुरुआत हमारे मित्रों के समूह से ही होती है। चाहे वो कोई भी नशा क्यों ना हो, उसके बाद मनुष्य की ऐसी अवधारणा बन जाती है कि वो अधिक मात्रा में नशे का सेवन करने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो इसमें बुरी तरह से फंस जाते हैं और अपने जीवन को तो खराब करते ही है और साथ ही साथ अपने परिवार को भी खत्म करते चले जाते हैं। भारत सरकार ने नशे को रोकने के लिए रोजाना हर संभव कोशिश कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। भारत में बहुत सारे परामर्श केंद्र यानी काउंसलिंग सेंटर खुल रहे हैं। लोगों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है। वे लोग अपने काम को बहुत ही अच्छे से करते हैं। इस दलदल से बाहर निकालने का काम चिकित्सक बखूबी करते हैं। भारत सरकार हर के साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता फैलाती है और लोगों को जागरूक करती है। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सभी देश का भविष्य है। हमें नशे जैसी चीज को शौक के रूप में भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें जितना हो सके इससे दूर ही रहना चाहिए और ज्यादातर युवाओं को जागरूक करना चाहिए। अगर हमें एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है तो हमें नशे जैसी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना है। रोकनी होगी नशे की आदत, सबको आगे है आना। रोकनी होगी नशे की आदत, सबको आगे है आना। नशा है एक बहुत बुरी लत, नशा है बहुत बुरी लत। हमें नशा मुक्त भारत का बनाना, हमें नशा मुक्त भारत का बनाना। धन्यवाद। आज मैं इस समाज पर नशा विषय को लेकर अपनी पंक्तियों द्वारा करारा व्यंग करना चाहूंगी।
छा गया है मातम और वक्त रो रहा है, छा गया है मातम और वक्त रो रहा है, अरे देख, अरे देख ये मेरे समाज को क्या हो रहा है। जम चुका है खून रगों में आज के नौजवानों के, मिल जाती है गिरी हुई जिंदगियां आजकल मैखानों में, परिवार जाग रहा है राह ताकते हुए, आने वाला कहीं सड़कों में किया सो रहा है, अरे देख, अरे देख ये मेरे समाज को क्या हो रहा है। गिर गया है जमीन, गिर गया है जमीन, शाने ऊंची है, कल का क्या होगा, कल का क्या होगा, ये बातें किसने सोची है। चरस है, गांजा है भांग और हीरे, यही कारण है जो देश डूब रहा है, अरे देख ये मेरे समाज को क्या हो रहा है। विधवा हो रही है सुहागिने, राखी पड़ी राखी पकड़ी रोती है बहने, माँ बाप का सहारा बनना था जिसको, माँ बाप का सहारा बनना था जिसको, वही बोझ बनता जा रहा है। जल रहा है नशे की आग में, जल रहा है नशे की आग में, घराने का इकलौता वारिस, बढ़ानी थी शान और शौकत जिसने, वही कुल का नाम मिटा रहा है। अरे देख ये मेरे समाज को क्या हो रहा है। मेरा भाई जो नशे में सो रहा है, आरती पुकारती पुकारती माँ भारती, आरती पुकारती पुकारती माँ भारती, मेरा अपना लाल ये नशे में सो रहा है। पैसों की खातिर जिसने ये जहर बनाया है, घर बसा के खुद का उसने गैरों का उजाड़ा है। झुक गए पिता के कंधे, उम्र ढल चुकी है, संभाल पाए कैसे खुद को, बेटा नशे में चूर है। नौजवान आज नशे में अपने आप को खो रहा है, अरे देख ये मेरे समाज को क्या हो रहा है।